सरप्लस पिछले वाले छत्तीसगढ़ के नगरीय निकाय में विद्युत देयक भुगतान का बोझ बढ़ता जा रहा है। समय समय पर सरकार जमा भी कराती है, लेकिन इसके बाद भी नगरीय निकाय राजस्व वसूली नहीं होने का बहाना बनाकर बिजली बिल भुगतान से बचती नजर आती है। दुर्ग जिले के चार नगरीय निकाय में देनदारियों की अगर बात की जाए तो चारों नगर निगम में बिजली बिल भुगतान का बोझ बढ़ने लगा है। वहीं अन्य देनदारियों के कर्ज से भी निगम प्रबंधन दबा हुआ है। आपको बता दें कि दुर्ग जिले के चार नगर निगमों की वित्तीय व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। निगमों में मूलभूत सुविधाएं ही कर्ज में दबी हुई हैं। जी हां, अब तक आपने कर्ज से बंद होती कंपनियां जरूर देखी हैं, लेकिन अब नगर निगम प्रशासन को भी कर्ज में डूब गया है। जिले के दुर्ग, भिलाई, चरौदा और रिसाली नगर निगम तो बन गए, लेकिन यहाँ वित्तीय प्रबंधन व्यवस्था आज भी बद से बदतर है, जिसका परिणाम है कि आज निकाय में 74 करोड़ रुपए से भी अधिक बिजली बिल का भुगतान नहीं किया गया है। वहीं निगम को शहर के विकास कार्यों के लिए राज्य सरकार और केंद्र सरकार के 14वें और 15वें वित्त की राशि का इंतजार करना पड़ता है। बिजली बिल की अगर बात करें तो जिले में चार नगर निगम क्षेत्र हैं, जिनमें दुर्ग में सबसे अधिक 50 करोड़ रुपए का बिजली बिल बकाया है। दूसरे नंबर पर भिलाई है, तो तीसरे नंबर पर चरौदा नगर निगम और चौथे नंबर पर नवनिर्मित रिसाली निगम है, जहां पर 59 लाख रुपए का बिजली बिल बकाया है। नगर निगम निकाय उसमें दुर्ग, भिलाई, चरौदा, रिसाली में हमारा निम्न दाब और उच्च दाब मिला के, जैसे दुर्ग नगर निगम में है 50.12 करोड़, भिलाई नगर निगम में 21.65 करोड़, चरौदा निगम में 2.31 करोड़, रिसाली में 59 लाख। इस प्रकार चारों नगर निगम में 74 करोड़ 68 लाख रुपए का बकाया है और हम समय समय पर उनको अवगत कराते रहते हैं। विगत 2 सालों में नगर निगम का जो प्रबंधन रहा है वो वित्तीय मामलों में बहुत ही बेतरतीब तरीके से जाकर उसका उपयोग किया है और इस कारण से नगर निगम का बिजली बिल बकाया हो गया। और बिजली बिल जो बकाया है उसको लेकर वर्तमान में कोई ऐसा प्रयास नगर निगम के द्वारा नहीं किया जा रहा कि उसकी देनदारी को नगर निगम ठीक से अपने आप से कर